डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग फिजिक्स में प्रकाशिकी एक खंड है जिसमें हम पहले चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रूफ किया था दर्पण सूत्र को। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है भाई, तो दर्पण सूत्र हम लोग प्रूफ किए थे 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, जहाँ पे v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी u को बोलते हैं वस्तु दूरी एफ को बोलते हैं दोस्तों फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को भी यू और एफ यही तीन इम्पोर्टेंट इसमें आता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग कि कौन कौन से दर्पण रहेगा, तो कौन कौन से पॉजिटिव निगेटिव लेना है। तो नोट में इम्पोर्टेंट बात अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो अगर दोस्तों अवतल दर्पण रहेगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण रहेगा, तो अवतल दर्पण के लिए u का वैल्यू माइनस होता है, v का वैल्यू माइनस में होता है और f का वैल्यू माइनस में होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, तो u, v और f तीनों किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। अच्छा, उत्तल दर्पण के लिए बात कर लेते हैं, तो उत्तल दर्पण के लिए जो हम लोगों को बनता है U का वैल्यू माइनस में, V का वैल्यू प्लस में, F का वैल्यू प्लस में। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण के लिए U किस में लिया जाता है, माइनस में। उत्तल दर्पण के लिए V किस में लिया जाता है, प्लस में। उत्तल दर्पण के लिए F किस में लिया जाता है, प्लस में। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा दर्पण रहेगा तो u का वैल्यू कहाँ लेंगे, v का वैल्यू कहाँ लेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं दर्पण सूत्र से रिलेटेड। लिखा जाएगा क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण से, किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, 12 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता हो तो इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को दिया है, क्या क्या दिया है जरा बात कर लेते हैं। तो दिया है उत्तल दर्पण, क्या दिया है, उत्तल दर्पण के लिए हम लोगों को सवाल बोला उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे लिख दिया उत्तल दर्पण। फिर सवाल बोला कि उत्तल दर्पण में 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु को हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से ना, यू हो गया वस्तु दूरी, वी हो गया प्रतिबिंब दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तल दर्पण के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में सवाल में हम लोगों को दिया है वस्तु दूरी, वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों उत्तल दर्पण में हम अभी अभी सीखे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए u माइनस में होता है और v और f प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ u का वैल्यू 12 सेंटीमीटर लेकिन माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण है, u का वैल्यू माइनस में होता है। फिर बोला गया कि इस दर्पण में प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब को हम लोग V से सूचित करते हैं
और इसका वैल्यू होगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल अगर यही अवतल रहता तो इसको भी माइनस कर देते हैं, कि अवतल के लिए भी क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। और हम लोगों को दोस्तों एफ का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? एफ का। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हमको बोल रहा है कि इस दर्पण के लिए फोकस दूरी निकालिए। तो हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं कैसे? अब लिखेंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी बराबर 1 बाई एफ। फार्मूला होता है 1 बाई यू, तो 1 बाई यू के जगह पे -12 प्लस 1 बाई वी, तो 1 बाई वी के जगह पे 8 बराबर 1 बाई एफ। इसको लिख सकते हैं ना, माइनस नीचे है तो ऊपर लिख सकते हैं, -1/12 प्लस 1/8 बराबर 1/f। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो 12 से 3 बार में कटेगा तो यहाँ हो जाएगा, 12 से 2 बार में कटेगा ना सॉरी, तो -2, और ये हो जाएगा 3 = 1/f। क्लियर? चलिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या आया भाई, तो -2 और 3 कितना हुआ, तो +1/24 = 1/f। इसलिए जब इसको हम पलटते हैं तो 1/24 को पलटेंगे तो ऊपर होगा 24, 1/f को पलटेंगे व्युत्क्रम करेंगे तो f। इसलिए दोस्तों f का वैल्यू कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दोस्तों और भी हम आपको न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं, आप उन न्यूमेरिकल्स को ज़रूर सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा, कोई अवतल दर्पण से किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर दस सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सके, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बन सके। फिर लिखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखने पर
उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। दोस्तों तो ये तीन क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग अगले दिन में कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जिसमें हम लोग दर्पण सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किया। तो दोस्तों आगे के जो टॉपिक्स होगा उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज आप ज़रूर इन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और फिर ज़रूर से ज़रूर हमें सेंड कीजिए, हम चेक करेंगे कि किसका सही आंसर है, किसका मिस्टेक हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।